بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. This is Professor Humanaz from Apex Group of Colleges. I am here to discuss online question paper of mechanics for phase 3. Phase 3 में question number 6 और question number 8 include है of mechanics. First question है, what is Einstein's special theory of relativity? State and explain its postulates. आइंस्टाइन्स की बेसिकली दो थ्योरीज हैं, एक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बेस करती है ऑन द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, ये 1905 में इसको एक्सप्लेन किया गया था बाय आइंस्टाइन. इसके फर्दर टू पॉस्टुलेट्स हैं, दोनों पॉस्टुलेट्स जो है वो बेस करते हैं ऑन द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम बेस्ड है. फर्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ आते हैं. फर्स्ट पॉस्टुलेट में बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और सेकंड पॉस्टुलेट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो कि फर्स्ट पॉस्टुलेट है, इसमें बताया गया है ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, कि अगर किसी भी इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस फ्रेम में कोई भी ऑब्जर्वर होगा उसके लिए जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सब के सब जो है उसके लिए आइडेंटिकल होंगे. दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. इसमें बताया गया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है. अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या एक बॉडी मूव कर रही है टूवर्ड द लाइट या एक बॉडी मूव कर रही है अवे द लाइट, इन तीनों के लिए जो मेजरमेंट होगी स्पीड ऑफ लाइट की वो सेम होगी जो कि 3×10⁸. उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पॉस्टुलेट. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी न्यूमेरिकल है जो कि चैप्टर नंबर 6 से ही लिया गया है. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 2.94×10⁸ मीटर पर सेकेंड. गिव योर आंसर इन बोथ जोल्स एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर एक प्रोटॉन जो है वो 2.94×10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो तो कैलकुलेट करनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसका आंसर जो है वो जोल में भी देना है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी. गिवन डाटा में वेलोसिटी गिवन है u इज इक्वल्स टू 2.94×10⁸ मीटर पर सेकेंड. फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर आइंस्टाइन्स की इक्वेशन यूज करेंगे e इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. e जो है इसमें रिलेटिविटी का फैक्टर है क्योंकि बॉडी मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी, इसलिए रिलेटिविटी का फैक्टर है जिसको ऐड करेंगे. सो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट सी स्क्वायर ओवर ई इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर जो है ये एक वेलोसिटी पैरामीटर है जिसको बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर जो है वो रिलेटिव एनर्जी है या रेस्ट एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन है. रेस्ट एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं ये आप बॉक्स में देख सकते हैं. ई नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर है. एम नॉट जो है रेस्ट मैस है. अगर आपने इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना है फाइंड करनी है तो रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी तरह जो भी जिसकी भी रेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है उसी का मैस जो है वो यूज़ करेंगे. सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है. इसको कैलकुलेट कर लेंगे. अगर जोल्स में रिक्वायर्ड है तो आएगा 1.505×10⁻¹⁰ जोल फॉर प्रोटॉन और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेंगे. एम नॉट सी स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट 1 माइनस यू स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वेयर प्लस काइनेटिक एनर्जी. वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज फाइंड करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ की है रेस्ट एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा जो कि है 3778 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जोल्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.602×10⁻¹⁹ जोल के इक्वल होता है. सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आंसर आया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो आंसर विल बी
6.05 मल्टीप्लाई बाई 10^10 जोल। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। ये भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ही फर्दर टर्म्स है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या है? द फिनोमिना इन विच टू ऑब्जर्वर्स मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर एक्सपीरियंस डिफरेंट रेट्स ऑफ टाइम फ्लो इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। कि अगर दो ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हों तो वो जो दोनों ऑब्जर्वर टाइम मेयर करेंगे उनके लिए उनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। उसके बाद है सेकेंड पार्ट है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरह ही है, द फिनोमिना इन विच डिक्रीज इन लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मेयर बाय द रेस्ट ऑब्जर्वर इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, दैट इज ड्राइव लोरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बाय यूजिंग लोरेंट्स इंटरवल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसमें लोरेंट्स इंटरवल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज करते हुए लोरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले है लोरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है। ये इक्वेशंस हमें बताती हैं द रिलेशन ऑफ द वेलोसिटी वी ऑफ पार्टिकल एस मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर एस इन रेस्ट फ्रेम टू वेलोसिटी वी प्राइम ऑफ द सेम पार्टिकल एज मेयर्ड बाई एन ऑब्जर्वर एस प्राइम इन मूविंग फ्रेम। सो इसमें एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद इसमें फाइंड करेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फिर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसके बाद जी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करेंगे। उसके बाद इन तीनों इक्वेशंस को यूज करते हुए इनवर्स लोरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी इज द न्यूमेरिकल, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। कैलकुलेट द स्पीड पैरामीटर ऑफ पार्टिकल विद मोमेंटम 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी इफ पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन पार्ट बी प्रोटॉन। इसमें पार्टिकल का मोमेंटम बताया गया है 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका स्पीड पैरामीटर जो कि बीटा कैलकुलेट करना है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर प्रोटॉन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं गिवन डाटा में मोमेंटम गिवन है 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी, फाइंड करना है स्पीड पैरामीटर बीटा। कैलकुलेशन में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास जो है वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको कि कैलकुलेट करने का तरीका आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में बता दिया गया है जो कि आप यहाँ पर बॉक्स में देख सकते हैं। इक्वेशन यूज करेंगे ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ई एनर्जी है, पी मोमेंटम है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एम नॉट रेस्ट मास है। ई जो है वो एम नॉट सी स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वेयर की इक्वल है। सो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, एम नॉट सी स्क्वेयर की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए जो कि है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन। पी की वैल्यू गिवन है, सी की कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एम नॉट सी स्क्वेयर वही रेस्ट एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इसकी फर्दर कैलकुलेशन है, इनको कैलकुलेट करेंगे सो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 0.999। इसी तरह फॉर प्रोटॉन भी यूज़ करेंगे, डिफरेंस ये है कि वहाँ पर रेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यूज़ करेंगे, प्रोटॉन के लिए रेस्ट एनर्जी प्रोटॉन की यूज़ करेंगे जो कि है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी कैलकुलेशन सेम है जो कि आप प्रीवियस पार्ट के स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइंस्टाइन्स पैराडॉक्स। आइंस्टाइन्स पैराडॉक्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड इन 1905 जो कि बेस करती है थॉट एक्सपेरिमेंट पे। ये बेस करती है आइंस्टाइन ने मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव एंड थॉट अबाउट द पैराडॉक्स स्टेट। आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को मैक्सवेल्स के इक्वेशन को यूज़ करते हुए आइंस्टाइन्स पैराडॉक्स दी थी जो कि है इफ़
यू वर टू मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट पैरेलल टू द लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एम्प्टी स्पेस यू वुड ऑब्जर्व स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, कि अगर एक बॉडी बीम ऑफ लाइट के पैरेलल और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी फ्री स्पेस में, तो वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स को स्टैटिक ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है चैप्टर नंबर 8 से, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, शो दैट ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है कि अगर एक बॉडी ड्यूरिंग अ कंप्लीट राउंड ट्रिप फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो जीरो के इक्वल हो, इसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बाद प्रूफ करना है कि आइदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो इसको प्रूफ करने के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे फॉर अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, इसमें फिगर ड्रा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि जब एक बॉडी को अर्थ से सर्टेन हाइट फेंका जाए और सर्टेन हाइट से जब वो बॉडी वापस ज़मीन पर आती है तो उसकी जो टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल है। सो इसमें फाइंड करेंगे वर्क डन बिटवीन ग्राउंड एंड मैक्सिमम हाइट पोजिशन, उसके बाद वर्क डन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड ग्राउंड पोजिशन। जब दोनों साइड्स का वर्क डन फाइंड हो जाएगा तो टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे जो कि है जीरो के इक्वल। सो इससे प्रूव होता है कि ग्रेविटी फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, दैट इज न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। अ न्यूट्रॉन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 6.2 मीटर इन टाइम ऑफ 160 माइक्रोसेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है कि अगर एक न्यूट्रॉन 160 माइक्रोसेकेंड में 6.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है। यहाँ पर सिंपल मैस गिवन है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10^27 किलोग्राम, टाइम गिवन है 1.60 माइक्रोसेकेंड, माइक्रोसेकेंड को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो इज अ प्रीफिक्स दैट इज इक्वल्स टू 10^6 माइनस 6। सो टाइम विल बी 1.60 मल्टीप्लाई बाय 10^6 सेकेंड, डिस्टेंस गिवन है जो कि है 6.2 मीटर। फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 mv², क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी गिवन नहीं है, सो वेलोसिटी को फर्दर फार्मूला पुट करेंगे, वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो वी इज इक्वल टू d/t। वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यूज गिवन है, मैस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10^-18 जोल। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम को स्टेट करना है और प्रूफ करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बाद इसका प्रूफ है, प्रूफ करेंगे कि मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि किस तरह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल है। इस पेपर में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से बगैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।